Hi guys this is Shivani and welcome to JKSSB classes so here i am with the lecture number 4 टॉप एम सी क्यू सीरीज़ जे एंड के हिस्ट्री सो द क्वेश्चन नंबर वन इज़ कांधार और कंदूर इन कश्मीर इज रेफर टू एज डैश शॉप्स कांधार या कंदूर कश्मीरी में किस चीज़ को बोला जाता है ये कौन सी शॉप्स हैं किस चीज़ के साथ डील करती हैं ठीक है ऑप्शन नंबर ए इज़ ब्रेड ऑप्शन नंबर बी इज़ मीट ऑप्शन नंबर सी इज़ मिल्क ऑप्शन नंबर डीज स्पाइसिज तो जो कांधार है या कंदूर है इसको कश्मीरी में जो uh, दुकानें हैं ये बेसिकली किसके साथ डील करती हैं ये करती हैं ब्रेड के साथ तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट उसके बाद मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज फिरनी इज अ डेलीकेसी इन कश्मीर विच इज़ अ डैश फिरनी तो सबको पता है ये एक स्वीट डिश होती है मीठी होती है खाने में तो इसको हम मतलब को किस चीज़ को बोलेंगे ठीक है बेसिकली ऑप्शन नंबर ए इज राइस डिश ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी इज़ डेजर्ट ऑप्शन नंबर सी इज़ कड़ी ऑप्शन नंबर डी इज सैलेड तो ये हमारा बेसिकली आर्ट एंड कल्चर से आर्ट एंड कल्चर ऑफ जे एंड के से क्वेश्चन बनता है ये क्विजींस में से तो इसका राइट right आंसर है डेजर्ट और क्या मिलता है uh, कश्मीर में जो फेमस है जो हम आर्ट एंड कल्चर में पढ़ते हैं ठीक है थीके? तो वो हमारा आ जाता है जैसे राइस स्टेपल फूड है कश्मीर का ठीक है बट राइस की प्रोडक्शन जो जे एंड के में होती है वो होती है रणबीर सिंह पुरा में बट जो स्टेपल फूड है जो बेसिकली कश्मीरी लोग ज़्यादा जो है डिपेंड करते हैं राइस पे राइस ज़्यादा खाते हैं तो स्टेपल फूड जो है कश्मीर का वो राइस है फिर यहाँ पे रोगन जोश हो गया यखनी हो गई जो दही की बनती है ठीक है देन लोटस स्टेम जिसको हम बेसिकली अपनी लैंग्वेज में नंदड़ू बोलते हैं ठीक है फिर शिर चाय हो गई फिर कबरगा हो गया कोफ्ते बनते हैं वेज भी होते हैं नॉन भी होते हैं दामालू हो गए मशरूम फिर बसीदा जो है बसीदा लोटस स्टेम और रूट्स को बोला जाता है और इसका बड़ा एक ब्यूटीफुल वीडियो भी है यूट्यूब में कि किस तरह से लोटस स्टेम को वो निकालते हैं और किस तरह से उसका ये लोटस स्टेम बेसिकली इकोनॉमी भी किस तरह से इकोनॉमी ऑफ जे में रोल प्ले करता है जो ये नंदड़ू की सेलिंग करते हैं लोटस स्टेम रूट्स किस तरह से वहाँ से मतलब निकाला जाता है इनको फिर ये इकोनॉमी कैसे जनरेट करते हैं तो ये इकॉनमी ऑफ जे में भी बनता है उसके बाद ये आर्ट एंड कल्चर क्वजींस में से भी क्वेश्चन बनता है फिर मीठी चमन भी एक डिश है ठीक है तो ये सारे क्वेश्चन हो गए उसके बाद मूविंग इसका राइट right आंसर था बी मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड डैश इज़ परफॉर्म्ड एट द टाइम ऑफ फेस्टिवल्स लाइक रूरल वेडिंग्स एंड अदर सोशल फेस्टिवल्स इन जम्मू एंड कश्मीर तो जगहों में शादियाँ होती हैं ठीक है थीके? उन काइंड ऑफ फेस्टिवल में उन त्योहारों में इनमें से कौन सी चीज़ जो है वो परफॉर्म की जाती है प्ले की जाती है वाजवान रबाब गीतरू डी हाफिज़ नगमा तो आप मुझे ऑप्शन ए और डी का कमेंट सेक्शन में बताओगे कि वाजवान क्या चीज़ है और हाफिज़ नगमा क्या चीज़ है हाफिज़ नगमा एक डांस फॉर्म है उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में बताना और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी गीतरू ठीक है और ये जो गीतरू है ये टोकरा पहाड़ी होते हैं ना जो पहाड़ी लोग डोगरे डोगरे पहाड़ी ठीक है वो गांव में जो शादियां होती हैं उसमें ये परफॉर्म किया जाता है औरतों के द्वारा उसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज कश्मीरीज आर पॉपुलर फॉर परफॉर्मिंग डैश डांस ड्यूरिंग द लोड़ी महासंक्रांति महासंक्रांति तो वर्ड आ गया हिंदूज लोड़ी बेसिकली पंजाब हरियाणा में बहुत ज्यादा सेलिब्रेट की जाती है तो महासंक्रांति हम बोलते हैं ऐसे हिंदूज लोड़ी को ए दानद्रास बी दमहाल सी हफीसा एंड डी नन ऑफ द एबव तो यहाँ पे जो मतलब परफॉर्म किया जाता है ना डांस ये भी आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर का यहाँ पे दाद्रास आंसर है इसका ठीक है और ये जो दांद्राज हैं ठीक है डी से द्राज ठीक है डी से दमहाल डांस फॉर्म पढ़ी थी हमने एक ठीक है तो मैंने आपको वहाँ पे निमोनिक बताया था डी से दमहाल डी से डोमिनेटिंग और ये कौन परफॉर्म करते हैं मेन परफॉर्म करते हैं और आर ओ यू एफ रॉफ एफ आ रहा है यहाँ पे एफ़ से फ्रॉक न्यूमिक ठीक है तो फ्रॉक कौन डालती है? हैं औरतें तो ये परफॉर्म किया जाता था औरतों के द्वारा वुमेन ठीक है तो रॉफ़ जो है डांस फॉर्म एफ़ से फ्रॉक फ्रॉक वे करती है वुमेन तो रॉफ़ हो गया वुमेन के थ्रू और दमहाल हो गया डी से दमहाल डोमिनेटिंग इसको अदरवाइज मत लेना ऐसे न्यूमोनिक के लिए दम हाल ठीक है दमहाल डोमिनेटिंग मैन परफॉर्म करते हैं और ये दांदराज भी ठीक है डी 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 का रिलेशन आ गया तो ये हमेशा याद रहेगा उसके बाद हफीसा के बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ठीक है और ये जो दांद्र है जैसे दमहाल था वो भी वटल ट्राइब करती थी वटल रीजन ठीक है और इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो दांद्रा जब परफॉर्म किया जाता है ना तो उसमें एक एनिमल होता है जो है पी कॉक ठीक है उसके बाद मैंने आपको पिछली वीडियो में ना ट्रीटी ऑफ अमृतसर की डेट बताई तो सही थी बस उसमें मंथ थोड़ा मैंने गलत बोल दिया था शायद मेरा बर्थडे अप्रैल में आता तो पता नहीं कहाँ से आ गया सिक्सटीन मार्च 1846 है ठीक है 16 मार्च 1846 मैंने वो पिन डाउन भी कर दिया था वीडियो के नीचे वो पता नहीं अप्रैल कहाँ से बोल दिया मैंने मार्च 16 1846 ठीक है इसको याद रखना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आई डोंट वांट कि आपके दिमाग में वो अप्रैल जाए तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फिफ्थ विच एमोंग द फॉलोइंग पीक इज लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर ए गॉडविन ऑस्टिन बी गशरभ्रह्म वन सी गशरभ्रम टू डी कामेत अब यहाँ पे तीन क्वेश्चन बनते हैं ठीक है थीके? पीक्स जोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ठीक है पहला क्या है वर्ल्ड की हाईएस्ट कौन सी है वर्ल्ड की हाईएस्ट तो पता ही होगा सबको माउंट एवरेस्ट है इसकी हाइट मुझे कमेंट सेक्शन में बताना क्योंकि इसकी हाइट आई थी असिस्टेंट रजिस्ट्रार का जो पेपर हुआ था ना उसमें माउंट एवरेस्ट की हाइट पूछी हुई थी कितनी है ठीक है तो इसकी हाइट मुझे कमेंट सेक्शन में बताना उसके बाद यहाँ पे वर्ल्ड uh, की आ गई माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है ये काठमांडू नेपाल में है ठीक है उसके बाद इंडिया की पहली इंडिया की पहली ऐसे इंडिया में तो दो आती हैं एक आती है केटू जो कि हमारी है गॉडविन ऑस्टिन और दूसरी कौन सी आती है कंचन जुंगा जो कहाँ पे है सिक्किम में है ऐसे देखा जाए तो हाइट में केटू बड़ी है ठीक है केटू बड़ी है कंचनजुंगा से बट केटू कहाँ पे पड़ रही है वो पड़ रही है पीओ के रीजन में जो कि एक डिस्प्यूटेड एरिया है इसीलिए एन में एन में मेंशन है कि इंडिया की हाईएस्ट कंचनझुंगा है जो कि सिक्किम में है तो अगर पेपर में आएगा तो हम कंचनजुंगा ही मार्क करेंगे जबकि केटू की, की हाइट ज़्यादा है बट वो डिस्प्यूटेड रीजन में है इसीलिए उसको नहीं लिया जाता कंचनझुंगा को लिया जाता है तो मैं एक बार दोबारा रिपीट करती हूँ वर्ल्ड की हाइएस्ट आ गई माउंट एवरेस्ट जो कि कहाँ पर है काठमांडू नेपाल में है फिर इंडिया की इंडिया की जो पहली हाईएस्ट है ऐसे तो हाइट में के टू बड़ी है बट वो डिस्प्यूटेड रीजन में है पीओके में है तो उसको नहीं लिया जाता है एन में कंचनजुंगा सिक्किम मेंशन है तो हम उसी को मार्क करेंगे देन यहाँ पे कौन सी पीक लोकेटेड है जम्मू कश्मीर में तो यहाँ से वो इंडिया का भी थोड़ा रिलेशन आ गया जोग्राफी ऑफ इंडिया जोग्राफी ऑफ जे के मिक्स हो गया यहाँ पर तो इसका ए गॉडविन ऑस्टिन अब इसके बारे में कुछ और भी चीज़ें हैं के का ठीक है केटू का दूसरा नाम क्या है इसको बोलते हैं संघ ठीक है इसको बोलते हैं संघ और इसको क्या बोलते हैं अगर किसी को पता है तो कमेंट सेक्शन में बता सकता है और इसको बोलते हैं चगोरी सॉरी अभी मैं ना फिंगर से लिख रही हूँ तो प्लीज़ सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस देन वर्ल्ड की सेकेंड हाइएस्ट अब आप मेरे को वर्ल्ड की सेकेंड हाइस्ट बताना कौन सी है ठीक है उसके बाद आ गया इसका केटू uh, की हाइट कितनी है ठीक है अगर किसी को पता है तो वो लिख सकता है कमेंट सेक्शन में इसकी हाइट है एट थाउजेंड सिक्स हंड्रेड इलेवन मीटर ठीक है और मुझे माउंट एवरेस्ट की हाइट बताना कितनी है और ये कहाँ पड़ता है ये पड़ता है गॉडविन ऑस्टिन कहाँ पड़ता है गॉडविन ऑस्टिन तो ये पड़ता है हमारे ये आ गया ना इसका मैंने एक ऐसे याद रखा था के एल जी जी पी एस के एल जी के एल जी जी पी एस सॉरी यार लिखा ही नहीं जा रहा है इसमें तो ठीक है के एल जी जी पी एस के एल जी जी पी एस जी पी एस वो होता है ना फ़ोन वाला भी ठीक है काराकोरम लद्दाख जंसकार ग्रेटर हिमालय पीर पंजाल एंड शिवालिक ये आउटर रीजन नीचे में आ गया ठीक है आपको ऐसे पूछ सकते हैं नॉर्थ टू साउथ बताओ कैसे आता है या साउथ टू नॉर्थ बताओ कैसे जाता है ठीक है सबसे ऊपर कौन सा है सबसे नीचे कौन सा है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो अगर नॉर्थ से साउथ तो ऐसे आ जाएगा ठीक है अगर साउथ टू नॉर्थ पूछते हैं तो एरो पर चला जाएगा तो उस वे में आप इसको आंसर बना सकते हो उसके बाद यहाँ पे ये यह लाई करता है हमारा कहाँ पे ऐसे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट तो ये पड़ता है यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के बीच में ठीक है काराकोरम रेंज ये देखो ना काराकोरम के ठीक है और आप ऐसे भी याद रख सकते हो के टू के से के टू के से काराकोरम और गॉड सबसे ऊपर होते हैं तो जम्मू कश्मीर का मैप सबसे ऊपर काराकोरम रेंज तो गॉडविन ऑस्टिन गॉड से गॉडविन फिर के टू आ गया काराकोरम के से के टू के से काराकोरम तो ये हमेशा याद रहेगा उसके बाद के टू जो है इसको सेवेज माउंटेन भी बोलते हैं और इसका हाइस्ट फर्टिलिटी रेट है मतलब सबसे ज़्यादा डेथ्स होती हैं ड्यू टू ऑक्सीजन और प्रेशर लेवल्स जो होते हैं ठीक है तो इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास ऑप्शन नंबर ए गॉडविन ऑस्टिन ठीक है उसके बाद मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर सिक्स अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग लेजेंड ठीक है एन एसेटिक नेम्ड कश्यप रिक्लेम द लैंड नाउ कंप्राइजिंग कश्मीर फ्रॉम अ वास्ट लेक ऑप्शन नंबर ए एज राजरंगनी बी नीलमत पुरान सी कश्यप पुरान डी बोथ वन एंड टू तो इसका आंसर है डी बोथ वन एंड टू ठीक है राज तरंगनी बी और नीलमत पुरान बी राजनी किसने लिखी थी कलहान ने लिखी थी बट उसका सोर्स क्या था नीलमत पुरान था ठीक है और ड्रेन की थी बारामूला रीजन से जिसको बारामूला बोला जाता है वहाँ से ये लेक ड्रेन हुई थी कौन सी लेक थी ये सतीसर लेक थी और इसके जो अवशेष हैं वो है अब वुलर लेक ठीक है वुलर लेक और ये फ्रेश वाटर लेक है जे के की उसके बाद यहाँ पे और क्या चीज़ मतलब लाइक हो सकती है राज तरंगनी कब लिखी गई थी uh, इसका मतलब किस सेंचुरी में किस स्टेट में तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो देन मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर सेवेंथ द अखनूर फोर्ट विच लाइज ऑन द बैंक ऑफ द चनाब रिवर वॉज बिल्ट बाय अभी तक मेरे को वो आंसर नहीं आया चनाब वाला ना कि किशोर बुर्ज जो है वो बने हुए हैं वहाँ पे अखनूर फोर्ट में किशोर सिंह जो थे वो फादर थे गुलाब सिंह के ठीक है और जियो ट्री में वहाँ पे रंजीत सिंह ने गुलाब सिंह को महाराजा एज एन इंडिपेंडेंट महाराजा घोषित कर दिया था तो इसका आंसर क्या है ए राजा तेग सिंह बी महाराजा रंजीत सिंह सी राजा आलम सिंह डी राजा गुलाब सिंह तो अखनूर फोर्ट जो है ठीक है किसने बनाया था ये ए से अखनूर ए से आलम सिंह और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है ठीक है जैसे मैंने आपको पीछे वीडियो में बताया था रियासी ठीक है तो रियासी आर से रियासी आर से ऋषिपाल राणा और ये फाउंडर भी थे रियासी के इन्होंने रियासी फोर्ट बनाया था और रियासी फोर्ट आ गया हमारा भीमगढ़ फ़ोर्ट और दांधीधर फोर्ट कहाँ पे है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आप फिर उसकी अगली वीडियो में आंसर भी बता दूंगी आपको दोबारा से मुझे याद रहती हैं वीडियो सारी ठीक है ऋषिपाल आज से आर से रियासी आर से ऋषिपाल राणा एंड ही वॉज ऑल्सो द फाउंडर ऑफ़ रियासी डिस्ट्रिक्ट और इन्होंने बनाया था भीमगढ़ फ़ोर्ट अब अखनूर है ए से अखनूर ए से आलम सिंह ठीक है बट यहाँ पर एक चीज़ आती है कि आलम सिंह ने इन इसको कब बनाया था जो सब ऑडिटर के एग्ज़ाम्स हुए थे ना उसमें फोर्ट्स की डेट्स पूछी गई थी कि कब इस किस स्टेट पे बनाए किस स्टेट पे उसको रेनोवेट किया है ठीक है डेट्स आई थी तो डेट बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए इसका आंसर नंबर सी आंसर है इसका ठीक है बट डेट क्या थी एटीन ठीक है एटीन देन इसको शुरू किसने किया था शुरू किया था इसको राजा तेग सिंह ने तेग सिंह ने इसको शुरू किया था और इसको शुरू कि स्टेट में किया था वो किया था 1762 में डेट्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि सब ऑडिटर के एग्जाम में ये आई हुई हैं उसके बाद क्वेश्चन नंबर एथ महाराजा हरि सिंह अपॉइंटेड विथ प्राइम मिनिस्टर एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1939 थर्टी टी डी राव सी एल सिंधिया महरचंद महाजन और जनक राज तो इसका आंसर है महर महाजन सी ठीक है तो महर महाजन के बारे में और क्या इंफॉर्मेशन है इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं जम्मू कश्मीर की तो ये कब से कब तक बने थे ठीक है ये बने थे 15 अक्टूबर ठीक है 1947 से 5 मार्च 1948 यानी कि इंडिपेंडेंस का पीरियड जो था ना ठीक है एक साल के लिए और और क्या इनके बारे में है बातें ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जे के एंड थर्ड चीफ जस्टिस थे इंडिया के ये थे थर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और ये बने थे फोर्थ जैन 19 फिफ्टी में बायर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसके बाद मूविंग टू दी क्वेश्चन नंबर नाइन ह्यून सेंग विजिटेड कश्मीर ड्यूरिंग द रूल ऑफ डैश डायनेस्टी ए गोनंडा बी उत्पल्ला सी आदित्य डी कारकोटा ठीक है तो यहाँ पे इसका आंसर है ह्यून सैंग बहुत इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट विजिटर है फिर यूरोपियन विजिटर्स कौन थे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है विजिटर्स के बारे में भी बहुत पूछा जा रहा है तो यहाँ पे ह्यून सेंग कब आए थे और किस डायनेस्टी में आए थे ये आए थे ये आए थे सिक्स थर्टी एडी में सॉरी मैं फिंगर से लिख रही हूँ तो ये ना टेक्निकल इशू बहुत ज़्यादा आ रहा है और ये आए थे कारकोटा डायनेस्टी में जो किसने कारकोटा का डायनेस्टी का जो रूल था कश्मीर में वो कब से कब तक था ये मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में इसका रूल था मैं बताई देती हूँ सिक्स ट्वेंटी फाइव ए डी से एट एटी फाइव सॉरी ऐट एटी फाइव ए डी ठीक है 885 एटी फाइव ए डी और इस इस रूल में ठीक है अवंती वर्मन आए और उन्होंने एंड किया था कारकोटा डायनेस्टी को और क्या इस्टेब्लिश की थी कौन सी डायनेस्टी एस्टैब्लिश की थी उन्होंने वो मुझे बताओ वो थी उत्पल्ला डायनेस्टी ठीक है सो so, मुझे गोनंदा के बारे में बताना कमेंट सेक्शन में कि ये कौन थे ठीक है बाकी मैं अपनी लेक्चर्स जब लेके कर आऊँगी तो डिटेल में डिस्कस करूंगी ही वहाँ पे क्वेश्चन नंबर टेंथ हु वॉज द अफ़गान रूलर ऑफ कश्मीर कौन थे अफ़गान रूलर अब्दुल्ला खान जफ़र खान आमिर ख़ान आजाद खान तो ये थे जफर खान तो ये लास्ट रूलर थे इनको किसने हराया था कौन सी वो बैटल थी जिसमें ये हारे थे वो थी बैटल ऑफ शोपिया बैटल ऑफ शोपिया में ये हार गए थे वो कब हुई थी बैटल ऑफ शोपिया किसी को पता है तो वो लिख सकता है क्योंकि रिवाइज हो जाएगा उसका 1819 में ठीक है और फिर उसके बाद क्या हुआ था महाराजा रंजीत सिंह ने किसको गवर्नर बना दिया था जब ये डिफीट हुए तो उसके बाद महाराजा रंजीत सिंह ने मोती राम को गवर्नर बना दिया था न्यू गवर्नर ऑफ कश्मीर आफ्टर द बैटल ऑफ शोपियाँ और ये बैटल ऑफ शोपियाँ किसके थ्रू हुई थी एस से शोपिया एस से सिख एम्पायर ऑन थर्ड जुलाई 1819 नाइनटीन ठीक है तो आज का सेशन मैं यहीं ख़त्म करती हूँ होप कि आपको अच्छा लगा होगा अगर कुछ कमी लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो मैं इम्प्रूव करूँगी उसको एंड थैंक्स फॉर बींग अ पार्ट ऑफ माई जर्नी एंड आई एम हाईली ग्रेटफुल जो भी इसको वीडियो को देख रहे हैं कि आप मेरी जर्नी का पार्ट बन रहे हो अगर कोई गलती हो रही है मुझसे तो आप कमेंट सेक्शन में ओपनली लिख सकते हो मैं उसको इम्प्रूव करूँगी एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एज मच एज यू कैन ओके बाय